में नागरिकों व अधिकारियों से बातचीत की तथा इसमें प्रभावी ढंग से निपटने की सलाह दी। नहर में विधायक अमित चाचा के निवास पर प्रेस वार्ता में प्रभारी सचिव ने कहा था कि एरिया में टिड्डी का कहर बहुत ज्यादा है, जिसके बचाव के लिए हम सबको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही प्रभारी सचिव ने कहा कि विभागीय अधिकारी टिड्डी नियंत्रण के कार्य में लगे हुए हैं। रावस्तर में कोविड सेंटर का भी प्रभारी सचिव ने निरीक्षण किया। रावस्तर क्षेत्र में टिड्डियों से फसलों में हुए नुकसान का भी उन्होंने जायजा लिया। खत्म नहीं हुआ है और सख्त रहेगा, मिशन मुकाबला करना है। साथ ही जिले के अंदर जो बहुत के अंदर आज मैंने दौरा किया, तो मैंने टिड्डियों को देखा, काफ़ी बड़ी संख्या में टिड्डियाँ यहाँ पर आई हुई है, नुकसान पहुँचा हुआ है। इसके लिए क्षेत्र के जनप्रतियों से मुलाकात भी की है। उनकी मांग है कि इसमें जो है जो दवाइयाँ उपलब्ध कराई है किसानों के लिए, श्रद्धालुओं की और व्यवस्था की जाए। हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से और जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी जो सर्वेक्षण वगैरह होता है, जो उसमें छिड़काव होता है दवाइयों का, वो नियमित रूप से कराया जाए और इसके लिए हम पूरा प्रयास किया। अनुदान को भी अपन जो अनुदान मिले मिल रहा है क्या? साथ ही जिले के अंदर जो दौरा किया था।